स्टूडेंट वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। आई एम राहुल राजपूत, योर मैथ टीचर ऑफ एलपीएम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर ऑपरेशन टुगेदर। द फोर ऑपरेशन टुगेदर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सच ए दिस टॉपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो डियर स्टूडेंट, लुक एट द राइटिंग बोर्ड। सम स्टेटमेंट I am also write down in your board. So when there is more than four operation in a question, and follow the rules of the DMAS to find the answer. Dear students, previous जो वीडियो में हमने टॉपिक पे डिस्कस किया था उससे थोड़ा सा ये हटकर टॉपिक है। मीन्स हमने अभी तक इस चैप्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, ये जितने भी वर्क है हमने सेपरेट सेपरेट तरीके से सॉल्व कर लिया है, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, अकॉर्डिंग टू वर्ड प्रॉब्लम। सभी क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अब हम ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे जिसमें वन मोर वर्क होंगे। मींस डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। सपोज दैट अगर कोई क्वेश्चन है उसमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी दिया है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम फर्स्ट वर्क किसका करेंगे, कब हम एडिशन करेंगे, कब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये सारी चीजें हमें जानने के लिए हमें रूल्स की जरूरत पड़ती है। और वो हमारा रूल्स है DMAS। DMAS, D for division, M for multiplication, and A for, you know very well, addition, and large, that is S for subtraction. The four different units are very very important for you. First of all, you can do division, then after multiplication, and then after addition, and last, that is fourth word, that is subtraction. Dear students, कभी भी हमें इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलते हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन अगर दिए गए हैं, तो उन्हें हमें सबसे पहले करना क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिविजन का वर्क करेंगे। अगर है तो, अगर उस क्वेश्चन में डिविजन का वर्क नहीं दिया है तो नेक्स्ट जो हमारा वर्क होगा दैट इज मल्टीप्लीकेशन। हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अगर नहीं है तो नेक्स्ट वर्क दैट इज एडिशन, एंड देन आफ्टर द लास्ट वर्क दैट इज सब्ट्रैक्शन। अंडरस्टैंड? मीन्स अगर क्वेश्चन में फोर डिफरेंट टाइप्स के वर्क दिए गए हैं, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो भी दिया है, तो सबसे पहले हम डिवीजन का वर्क करेंगे और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन का वर्क करेंगे। ये चीज आपको हमेशा माइंड करनी है और इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट डियर स्टूडेंट, 20 डिवाइडेड बाय 5 I am multiplying 20 plus 10 and minus 2. हमारा ये क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये चीज हमें ध्यान देना है। मीन्स हमारा क्वेश्चन है 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 20 एंड प्लस 10 माइनस 2। हमारा ये क्वेश्चन, इसमें हम देख पा रहे हैं हमारा डिवीजन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। इसमें हमें फोर डिफरेंस वर्क करने के लिए दिए गए एक ही क्वेश्चन में, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम डिवीजन का वर्क करेंगे। मींस हम इसका इसके साथ डिवीजन करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। 5 का टेबल हम 20 में करेंगे तो 5 4 जा 20, 4 मल्टीप्लाई 20 एंड प्लस 10 एंड माइनस 2। फर्स्ट वर्क विल बी कंप्लीटेड, माइंड दिस, फर्स्ट वर्क दैट इज डिवीजन ए कंप्लीटेड। हमने सबसे पहले डिवीजन करना है और वो वर्क हमने कंप्लीट कर लिया, एंड देन आफ्टर डियर स्टूडेंट द सेकंड वर्क इज मल्टीप्लीकेशन। मींस 4 का 100 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 टू द 80 प्लस 10 एंड माइनस 2 है, ये बहुत आसान है।
4 मल्टीप्लाई 20 प्लस 10 माइनस 2। फर्स्ट वर्क हमारा डिवीजन था, हमने डिवीजन कवर किया, बाकी के जो नंबर जैसे हैं जिस प्लेस पे हमने प्रॉपर सीक्वेंस पे राइट कर दिया। एंड देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, अगला हमारा वर्क क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। हमने मल्टीप्लिकेशन किया 4 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 80, 80 जस्ट राइट डाउन इन योर विलो प्लेस एंड रेस्ट ऑफ द नंबर आल्सो राइट डाउन इन ए प्रॉपर वे। एंड देन आफ्टर डियर स्टूडेंट द थर्ड वर्क इज एडिशन। सो 10 प्लस 80 और 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90, 90 माइनस 2, 90 माइनस 2। फर्स्ट वर्क डिवीजन, सेकंड वर्क मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वर्क एडिशन एंड लास्ट दैट इज फोर्थ वर्क सब्ट्रैक्शन। मींस 90 माइनस 2 इज इक्वल टू 88 एंड इट इज योर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, बहुत इजी है। कैसे हम सभी वर्क एक साथ प्रॉपर सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यह हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 20 एंड प्लस 10 माइनस 2 इट इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है अभी हमने इस चार्ट को देखा है। डी मास फार्मूले को हम यूज मिलाएंगे, द मास फार्मूले को हम यूज मिलाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक दिया है द फोर ऑपरेशन टुगेदर, चारों तरह के ऑपरेशन को कैसे हम एक साथ करेंगे प्रॉपर फार्मूले के अकॉर्डिंग आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू डिवीजन 20 डिवाइड बाय 5। 20 डिवाइडेड बाय 5 वी गेट न्यू प्रोडक्ट दैट इज 4 एंड रेस्ट ऑफ द नंबर राइट डाउन इन योर प्रॉपर सीक्वेंस। सो 4 मल्टीप्लाई 20 प्लस 10 एंड माइनस 2 एंड देन आफ्टर डियर स्टूडेंट द सेकेंड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वर्क इज योर मल्टीप्लीकेशन एंड योर मल्टीप्लीकेशन वी कैन डू 4 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 80 एंड देन आफ्टर जस्ट राइट डाउन रेस्ट ऑफ द नंबर इन ए प्रॉपर वे दैट इज 80 प्लस 10 माइनस 2 द टू वर्क विल बी कंप्लीटेड एंड रेस्ट ऑफ द टू वर्क दैट्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90 दैट इज योर थर्ड वर्क। Your third work is addition. 80 plus 10 is equal to 90 and 90 minus 2 that is fourth and last work subtraction. 90 minus 2 is equal to 88 and 88 is your correct answer. I hope clear to everyone. Dear students, one more question. एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसे भी इसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो डाउट्स है हमारे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अभी तक तो हमने जो क्वेश्चन राइट किया है वो प्रॉपर हमारा सीक्वेंस में था, मीन्स पहले में एडिशन करना था, देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन करना था, देन आफ्टर एडिशन एंड लास्ट वन दैट इज सब्ट्रैक्शन। अगर ये सीक्वेंस में न हो तो तब हम क्या करेंगे ये चीजें देखना है। और अगर आप ये चीजें समझ जाते हैं तो आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप बड़े आसानी से कर लेंगे। फर्स्ट हमारा ये था क्वेश्चन जो प्रॉपर सीक्वेंस में राइट किया गया, उसे हमने प्रॉपर अकॉर्डिंग डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वन बाय वन बड़े आसानी से एक एक स्टेप को करना शुरू किया और लास्ट में आंसर हमने पा लिया सब्ट्रैक्शन करके। अगर हमारे नंबर्स जो दिए गए हैं, हमारे जो साइन दिए गए हैं फोर डिफरेंस एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन वो प्रॉपर सीक्वेंस में ना हो तो तब हम क्या करेंगे। आइए देखते हैं। सपोज दैट 50 एन प्लस 10 एन मल्टीप्लाई 20 एंड डिवाइडेड बाय 10 एन माइनस 50। ये अभी देखिए फर्स्ट वर्क हमारा एडिशन का दिया हुआ है, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन
इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं तो बच्चे ज्यादातर गलत कर देते हैं। करते क्या है, सबसे पहले आपके एडिशन देखेंगे, तुरंत 50 और 10 को ऐड करेंगे, बाकी के बच्चे को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, तब जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। हमें करना क्या है, फॉर्मूले को माइंड करना है और एक बार फिर से हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले हमें वर्क दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू डिवीजन एंड देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, एनीवेयर एनी प्लेस नो प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी डिजिट दिखाए उसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम वर्क जो करेंगे वो डिवीजन का करेंगे, ये चीजें हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मीन्स अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारा ये हमारा वर्क है डिवीजन का, बीच में दिया है, हम सबसे पहले वही वर्क करेंगे, चाहे नंबर कहीं भी रहे, चाहे साइन कहीं भी रहे, पहले ऐड है तो नो प्रॉब्लम, ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो मल्टीप्लाई हो कोई दिक्कत नहीं, हमें सबसे पहले वर्क करना है डिवीजन का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, माइंड दिस। सो रेस्ट ऑफ द नंबर राइट डाउन इन योर प्रॉपर प्लेस, 50 + 10 एंड 20 / 10, 10 ones are 10 एंड 10 2s are 20, वी गेट द न्यू नंबर इज 2 - 20 माइनस, वंस अगेन 10 + 20 - 10 / 20 - 10 - 20। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, डिवीजन कवर करेंगे और बाकी के जो नंबर है जहां है वैसे ही हम उसको राइट कर देंगे। मीन्स 50 को मैंने राइट डाउन कर दिया, 10 को राइट डाउन कर दिया, 20 और 10 का हमारा मैटर है, 20 और 10 का डिवीजन हो रहा है, तो हमने डिवीजन करने के बाद जो आंसर आया, जो प्रोडक्ट आया, वो हमने जस्ट बिलो लिख दिया, बाकी सारे नंबर वैसे हमने राइट कर दिया, नो एनी कंफ्यूजन। ओके, द सेकंड वर्क दैट इज मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड वर्क इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन को वर्क करेंगे, मीन्स यहां हमारा प्लस दिया है, लास्ट हमारा सब्ट्रैक्ट दिया है, बीच में हमारा क्या दिया है मल्टीप्लीकेशन का वर्क दिया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 50 + 10 / 10 and 10 2s are 20 - 20। आई होप क्लियर टू एवरीवन। ओके, द फर्स्ट वर्क विल बी कंप्लीटेड एंड योर सेकेंड वर्क विल बी ऑल्सो कंप्लीटेड। फर्स्ट वर्क इज योर डिवीजन, सेकेंड वर्क इज योर मल्टीप्लीकेशन एंड रेस्ट ऑफ द टू वर्क इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो द थर्ड वर्क एडिशन 50 + 20, 50 + 20 इज इक्वल टू 70 एंड 70 - 20 दैट इज लास्ट एंड फोर्थ वर्क। ओके, सो द नेक्स्ट इज 70 - 20 इज इक्वल टू 50, 50 इज योर राइट आंसर, नो एनी कंफ्यूजन। डियर स्टूडेंट आई रिपीट वंस अगेन योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बिकॉज योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो वंस अगेन 50 + 10 / 20 एंड डिवाइड बाई 10 - 20। ओके, सो 50 + 10 / 20 - 10 - 20। सबसे पहले हमें करना क्या है, डिवीजन वर्क करना है, ये आपके माइंड में होना ही चाहिए कि चाहे नंबर हमारे कहीं भी रहे, चाहे हमारे जो साइन दिए गए हैं, जो 4 different signs है, वो किसी भी प्लेस पे रहे, कहीं भी रहे, बीच में रहे, दाएं रहे, बाएं रहे, नो एनी प्रॉब्लम, लेकिन सबसे पहला वर्क जो हमारा होगा वो डिवीजन का ही होगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत ही क्लियरली आपको समझाने का प्रयास किया है। सो 50 राइट डाउन, 10 जस्ट राइट डाउन एंड द न्यू प्रोडक्ट 20 / 10 इज इक्वल टू 2, 10 / 10 and 10 2s are 20 -20 आल्सो राइट डाउन इन ए प्रॉपर लाइन एंड देन आफ्टर द सेकंड वर्क दैट इज मल्टीप्लीकेशन 50 + 10 / 2 - 20 10 / 10 and 10 2s are 20 20 just write down in your place and rest of the number also write down in your proper sequence 50 + 20 and -20 is equal to the third work is your addition
50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70, 70 माइनस 20, 70 माइनस 20 इज योर फोर्थ एंड लास्ट वन, दैट इज दी गेट द न्यू नंबर इज 50 एंड 50 इज योर आंसर। आई होप क्लियर टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो नो डाउट आप मेरे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आप तुरंत टाइप कीजिए और सेंड कीजिए। हम वहां पे आपको बिल्कुल सटीक मेथड से, सटीक स्टेप से हम आपको सोल्यूशन देंगे। बस अब ट्राई कीजिए, इस तरीके क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। आपके टेस्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, नियर अबाउट 15 to 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का ही पूछता है। आई होप हमारी बात समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला को यूज कर रहा है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज को छोड़ें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।